नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरभंगा से बड़ी खबर, जीतन सहनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया है कि काजिम अंसारी ने 2022 में मुकेश सहनी के पिता से कर्ज के रूप में पैसे उधार लिए थे। 2023 में दूसरी बार 50,000 रुपए लिए और कर्ज के बदले जीतन सहनी के पास काजिम की जमीन के कागजात गिरवी रखवाए गए थे। काजिम अंसारी ने जीतन सहनी से ब्याज दर कम करने का आग्रह किया था, लेकिन उन्होंने ब्याज का दर कम करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। काजिम अंसारी अपने साथियों के साथ जीतन सहनी के घर रात में छुपके से घुस गया, चाकू से वार कर जीतन सहनी की दर्दनाक हत्या कर दी। तो यही वो बाइक है जिसे गिरवी के तौर पर रखा गया था। आपको बता दें कि ब्याज दर कम करने को लेकर कहा सुनी चल रही थी, पहले से ही वाद विवाद चल रहा था और इसी वाद विवाद के बीच आक्रोशित होकर अंसारी ने जीतन सहनी के घर में घुसकर अपने कुछ साथियों के साथ दर्दनाक रूप से उनकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए लगातार बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से कोशिशें जारी थी। कहा यह जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर इस पूरे मामले का उद्भेदन कर दिया जाएगा, खुलासा कर दिया जाएगा। और इसी बीच ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि पैसे के बदले जमीन गिरवे रखी गई थी, ब्याज दर जो चल रहा था उसे कम करने की बात कही जा रही थी अंसारी की तरफ से, लेकिन जीतन सहनी ने इस बात को नहीं माना, उन्होंने इन बातों से इनकार कर दिया। पैसों के लेन देन को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि काजिम अंसारी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 15 से 16 जुलाई के बीच दरमियान 1 बजे से 2 बजे के बीच रात की ये बात है जब पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। जमीन के कागजात मांगने पर बहस हुई थी और इसी बहस के बाद, इसी वाद विवाद के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ भी लिया है और उसके साथियों को पहले भी हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन इस पूरे मामले पर आगे किस तरीके से बिहार पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी बीच मुकेश सहनी ने अपराधियों के इकबाल के खत्म होने को लेकर बिहार सरकार पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन मदद की भी दरख्वास्त की कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जाए। और चलिए अब आपको पुलिस की थ्योरी को समझाते हैं कि पैसे के लेन देन में कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। वजह यही बताई जा रही है कि पैसे की लेन देन हुई और इसीलिए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। काजिम अंसारी ने कर्जा लिया था जीतन सहनी से, एक बार नहीं बल्कि दो बार कर्ज लिया। 2022 में मुकेश सहनी के पिता से 1,00,000 रुपए कर्ज लिए। 2023 में दूसरी दफा 50,000 रुपए कर्ज लिए और कर्ज के लिए जमीन के कागज गिरवी रखे थे। काजिम अंसारी ने जमीन के कागज जीतन सहनी के पास गिरवी रखे थे। काजिम अंसारी ने ब्याज दर कम करने की अपील की है, जीतन सहनी ने ब्याज दर कम करने से मना कर दिया। काजिम अंसारी जमीन के कागजात चुराने के लिए घर पर पहुंचा था और जीतन सहनी के घर रात में चुपके से घुस गया। जीतन सहनी से कागजात लेने के दौरान बकझक हुई, वाद विवाद हुआ और इसके बाद आक्रोशित होकर चाकू से वार कर जीतन सहनी की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी में रेकी करते समय तस्वीर कैद हो चुकी है। हत्या के समय पहना हुआ कपड़ा भी बरामद हुआ है, कपड़े पर खून के निशान भी मिलने के दावे हैं। जीतन सहनी के नाखून से भी खून के धब्बे मिले। दरभंगा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जीतन सहनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि काजिम अंसारी ने 2022 में मुकेश सहनी के पिता से कर्ज के रूप में पैसे उधार लिए और एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार 50,000 रुपए वहां से उधार लिए थे, जिसके बाद ये पूरी वारदात हुई है और इस पूरी वारदात को खुद काजिम अंसारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंजाम दे दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले का उद्भेदन किया जा चुका है, आगे की कार्रवाई में बिहार पुलिस जुटी हुई है।
बढ़ते आगे सीतामढ़ी से आपको अगली खबर बताएंगे, जहां मुहर्रम के दौरान एक ही संप्रदाय के दो गुट आपस में भिड़ गए। ताजिया को आगे बढ़ाने की होड़ में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मारपीट की इस घटना में कई लोगों को गंभीर रूप से चोट भी आई है। आपको बता दें कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत करवाने की कोशिश की। और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौके से न्यूज 18 संवाददाता राकेश रंजन। मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन के द्वारा कवायद जारी थी और लगातार शांति समिति की बैठक का आयोजन कर मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन आम नागरिकों से अपील कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच सीतामढ़ी शहर में आज मुहर्रम पर्व को लेकर जो ताजिया जुलूस निकाला जाता है उसमें एक घटना घटी है, जिस घटना में एक ही संप्रदाय के दो गुट ताजिया जुलूस निकालने के दौरान वर्चस्व को लेकर आपस में भिड़ गए। यह वही इलाका है जहां पर ताजिया जुलूस के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे और जमकर लाठियां बरसाई। आप तस्वीर देख सकते हैं, आज तकरीबन 12 बजे की यह घटना है जब ताजिया जुलूस के दौरान दो गुट वर्चस्व की लड़ाई को लेकर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आपस में भिड़ गए और यहाँ पर जमकर लाठियां चली और एक दूसरे पर लोगों ने पथराव रोड़े बरसाए। और आप तस्वीर देख सकते हैं, अभी माहौल पूरी तरीके से शांत हो गया है और जिला प्रशासन और पुलिस बल के द्वारा मामले को किसी तरीके से शांत कराने का प्रयास किया गया। इस पथराव में तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिन घायलों को सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इतना ही नहीं, माहौल को शांत करने के लिए सीतामढ़ी के DM ऋचि पांडे के द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है और यह बैठक सीतामढ़ी के नगर थाने में आयोजित किया गया है। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, घटना के बाद से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल कायम है और बड़ी तादाद में लोग इस घटना की चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार पर्व त्यौहार को लेकर लोग इतना उन्मादी कैसे हो जाते हैं और एक दूसरे पर ही लाठियां और रोड़े क्यों बरसाते हैं। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और मोतिहारी में मुखिया पति के घर पर हमला हुआ है, मारपीट में 5 लोग जख्मी हुए। सुगौली के नकरदेई में घटी इस घटना को लेकर आरोप है कि मुहर्रम जुलूस में शामिल शरारती तत्वों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, हमला किया। घायलों का इलाज मोतिहारी अस्पताल में जारी है। पुलिस हमेशा की तरह कार्रवाई की बात कर रही है। नकरदेई पंचायत में मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच ताजिया जुलूस को लेकर आपसी झड़प हुई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए। घायल लोगों को अस्पताल भेज दिया गया इलाज हेतु। इसके अलावा फायरिंग की भी घटना प्रकाश में आई है, जिसकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। और अगली खबर अररिया से, जहां पलासी थाना क्षेत्र के पीपरा बिजवार में आज दोपहर मुहर्रम ताजिया जुलूस के दौरान बहुत बड़ा हादसा हो गया। ताजिया के हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। आपको बता दें कि ताजिया को लेकर लोग जुलूस की शक्ल में लोगों के दरवाजे से गुजर रहे थे और इसी दौरान खेत से होकर जाने के दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। का जो त्यौहार है उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का ही ये मामला है। ये जो जो 14 का जो मामला है उसी का है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है। वहाँ से 8 रेफरल हुआ, पहले तो 2 तो बाहरी चले गए, यहाँ जो आए थे वो 4, अभी जो रिसेंटली आए हैं वो 3:40 में। और इसी बीच बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां 10वीं के छात्र की निर्मम तरीके से हत्या का मामला सामने आ गया है। छात्रा की हत्या कर शव को टांग दिया गया है। इस पूरी घटना के बाद इलाके में सनसनी है। ये घटना छौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर गांव की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरी घटना पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें एक 10वीं क्लास की छात्रा की हत्या कर और उसके शव को कब्रिस्तान में बांस के पेड़ में टांग दिया गया। हालांकि इस हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। लोग वहां पर जो हंगामा कर रहे हैं और लगातार अपराधियों के
पकड़ने की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर किन लोगों ने किन परिस्थितियों में और किस कारण से इस लड़की की हत्या की है। फिलहाल लोगों के द्वारा कई तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें ऐसा भी है युवती के साथ बलात्कार भी किया गया है या नहीं किया गया है। पुलिस हालांकि पूरे मामले की जांच में जुट गई है, अभी तक पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि डॉग स्क्वाड की टीम भी आ रही है और उसके द्वारा भी जांच की जाएगी, तभी कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इस हत्या के पीछे किन लोगों का हाथ था और किस कारणों से इस जो है नवाल छात्रा की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। पूरा मामला छौड़ाही थाना क्षेत्र के नारायण पीपर गाँव की है। पुलिस की टीम यहां पहुंच चुकी है, बड़े पदाधिकारी भी पहुंच चुके हैं और जांच की जा रही है और पुलिस जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। संतोष कुमार, न्यूज 18, बेगूसराय। तो कब्रिस्तान में शव मिला, हत्या के बाद कब्रिस्तान में उसे लटकाया गया और इस पूरे मामले की तहकीकात पुलिस के द्वारा की जा रही है। छौराहे के नारायण पीपर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मृतक छात्रा की पहचान भी हो गई है और लगातार आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि कब्रिस्तान में छात्रा का शव मिला, हत्या के बाद कब्रिस्तान में उसे लटका दिया गया है। फिलहाल इस पूरी वारदात को किसने अंजाम दिया, इसकी तहकीकात में पुलिस जुटी हुई है। और पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के पहाड़ी स्थित एक बैंक्वेट हॉल में मनचलों ने एक महिला डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर दिया है। पीड़िता ने बाईपास थाने में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई। बाईपास थाने में पटना सिटी निवासी छोटू डीजे समेत 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी को लेकर ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान में जुट गई है। और बाढ़ जैसे हालात के बीच कटिहार के मनिहारी में गंगा नदी पूरी तरह उफान पर है। सावन के महीने में गंगा नदी से जल भरकर शिव भक्त जलाभिषेक करते हैं, लेकिन गंगा घाट पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई है। गंगा नदी के किनारे बैरिकेटिंग होने की वजह से हादसे कम हो सकते हैं, लेकिन वहां पर ऐसी कोई भी परिस्थिति नजर नहीं आ रही। बैरिकेटिंग नहीं है, ऐसे में हादसे की आशंका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा। सावन के दस्तक के साथ ही मनिहारी गंगा घाट में भोले भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है और इसी गंगा घाट से दूर दूर से लोग जल लेकर अपने शिवालयों तक पहुंचते हैं और वहां जल अभिषेक करते हैं। लेकिन इस बार जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मनिहारी गंगा घाट की तस्वीर है। आप जरा अंदाज़ा लगा सकते हैं पानी किस स्तर से तेजी से बढ़ा है। और लेकिन इस बीच एक दुखद तस्वीर मनिहारी की है कि मनिहारी गंगा घाट में अब तक बैरिकेटिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि सोमवारी के दिन यहाँ 2 से 2.5 लाख लोग पहुँचते हैं, ऐसा यहाँ के लोग कह रहे हैं। जरा बात कर लेते कुछ लोग हैं उनसे, क्या व्यवस्था किया गया है अभी तक? अभी तो पानी का जो समस्या है बहुत ज़्यादा स्पीड में बढ़ रहा है पानी, और बैरिकेटिंग अभी हो जाना चाहिए अभी तक में, क्योंकि आगे इतना पानी है किसी को पता नहीं चल रहा है, हो सकता है कोई घटना घट जाए। मनिहारी के उप मुख्य पार्षद भी हमारे साथ है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। क्या लचर व्यवस्था है, क्या कारण से आप लोग अब तक व्यवस्था नहीं कर पाए हैं? देखिए सभी चीज़ की व्यवस्था तो हो चुकी है, लेकिन जहाँ तक बैरिकेटिंग की व्यवस्था है, आप सबों को जानकारी होगी कि जुलाई के महीने में नवनियुक्त कार्यपालक पदाधिकारियों का ज्वाइनिंग हुआ था, पदस्थापन हुआ था, उसी में मोहम्मद नसीमुद्दीन खान जी हमारे नगर पंचायत कार्यालय मनिहारी में ज्वाइनिंग किए दिनांक 3 तारीख को, और उसके बाद वो कहाँ गए, न संपर्क माननीय मुख्य पार्षद जी से साधे, न हम सबों से साधे, न किन्हीं पार्षदों से साधा, जिसके कारण कि अभी तक बैरिकेटिंग की कार्य सुनिश्चित नहीं कर पाई है। ये बड़ा दुर्घटना कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। सावन के साथ जब भोले भक्तों की टोली मनिहारी गंगा घाट पहुंचेंगे तो उनके सुरक्षा को लेकर जो इंतजामात होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जो एक बड़ी दुर्घटना का वजह बन सकता है। सुब्रत, न्यूज 18, कटिहार। और बड़ी पटन देवी जो 51 शक्ति पीठों में से एक है, जहां मां आदि शक्ति 3 स्वरूपों में विराजमान है, इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। पटनेश्वरी, जहां मां आदिशक्ति, मां जगदम्बा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में एक साथ विराजमान हैं।
जगदम्बा अपने गर्भगृह में फिलहाल नहीं है क्योंकि मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर मंदिर में हर दिन हजारों श्रद्धालु माँ आदि शक्ति के दर्शन करने आते हैं, लेकिन सभी श्रद्धालु भी माँ को उनके गर्भगृह में देखना चाहते हैं। मंदिर का निर्माण कार्य लगभग 2 सालों से चल रहा है। माँ के गर्भगृह को एक खूबसूरत गर्भगृह बनाया जा रहा है, और ये देखिए जहाँ माँ आदि शक्ति का जो स्थान है उस जगह को तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन मंदिर का जो निर्माण कार्य है लगभग 30% ही पूरा हो पाया है। हालांकि पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने साफ तौर पर कहा है कि इस नवरात्रि माँ अपने गर्भगृह में विराजमान होंगी। जो ये मंदिर है उसकी तस्वीर जरा हम आपको दिखा दें। इस मंदिर की जो आकृति है, आने वाले दिनों में जो भक्त हैं वो कुछ ऐसी देख पाएंगे। माँ पटनेश्वरी एक छोटे से मंदिर में विराजमान थी, लेकिन अब इसे नया स्वरूप दिया जा रहा है और माँ के जो भव्य मंदिर है वो इस तरीके से तैयार किया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस नवरात्रि माँ अपने गर्भगृह में विराजमान होंगी। जो मुख्य महंत हैं, महंत विजय शंकर गिरी, वो भी यहाँ हैं। बाबा, सभी भक्त यहाँ हर दिन आते हैं, सभी को इंतजार है कि माँ अपने गर्भगृह में कब विराजेंगी। डीएम का भी कहना है कि इस नवरात्रि माँ आ जाएंगी, क्या लगता है? प्रयास में लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमको अभी भी थोड़ा सा मन आशंका है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रयास में है कि इस साल नवरात्र में भगवती की मैंने स्थापना यहाँ हो जाए। अभी कितना प्रतिशत मंदिर का काम बाकी है? अभी तो देख ही रहे हैं, अभी तो सब जगह खतरी है, इस केवल स्थान जो है बाकी हुए। अभी 50% भी नहीं हुआ है। 50% नहीं हुआ, 50%। अभी ये भव्य स्वरूप बनने वाला है। ये अभी देखिए, आप यहाँ दर्शन कराने के लिए जाइएगा। हाँ। जो दर्शन कराने के लिए जाइएगा, यहाँ पर भक्त लोग आएंगे तभी ना दर्शन करेंगे कराइएगा। हाँ। अब आएंगे किधर से? ये अभी नहीं बना है, ये देख लीजिए, ये जगह के इसको कहा जा रहा है कि कम से कम इसको तैयार कर दिया जाए। ये देखिए, इधर से भक्त निकलेंगे। हाँ। उम्मीद की जा रही है कि इस नवरात्रि माँ अपने गर्भगृह में विराजेंगे, लेकिन जो तस्वीर है, महंत जी का साफ तौर पर कहना है हम भी चाहते हैं कि माँ इस नवरात्रि अपने गर्भगृह में आए, लेकिन जो भक्त हैं जिन रास्तों से आएंगे अभी उसे बनाया नहीं गया है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से जो काम है वो तेज गति से शुरू किया जा रहा है। संभावना है, उम्मीद जताई जा रही है कि शायद इस नवरात्रि माँ का आशीर्वाद मिले और माँ एक बार फिर से अपने गर्भगृह में विराजमान हो। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और अनंत और राधिका की शादी में मिनी काशी की झलक दिखाई दी। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने शादी समारोह में सजाए गए धरती के पालनहार विष्णु दशावतार को प्रदर्शित किया है। नमस्कार। सिंस टाइम इमेमोरियल द 10 इनकार्नेशंस ऑफ भगवान विष्णु नोन एज द दशावतार हैव कॉट द इमेजिनेशन ऑफ हिंदूज एंड स्कॉलर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। Hindus believe that whenever the world is threatened by evil or negative forces, Bhagwan Vishnu descends on earth in some form of avatar and restores dharma and the cosmic order. With this belief, I conceptualize Dashavatar. Dashavatar has been envisioned as a tribute to India's spiritual heritage as a part of Anant and Radhika's wedding. I invite people from Mumbai and all over India to come and enjoy this once-in-a-lifetime experience at the Nita Mukesh Ambani Cultural Center. और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।